Hello my dear friends, if you are new to my channel, make sure you subscribe and press the bell icon so that you will be notified whenever I post a new video. तो आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ कुछ रोमांटिक नॉवल्स जो मेरे अकॉर्डिंग बेस्ट रोमांटिक नॉवल्स है. मेक श्योर आप वीडियो को पूरा देखें एंड इनमें से अगर आपने कोई नॉवल पढ़ी हुई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं. तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सबसे पहले हमारी लिस्ट में है द फॉल्ट इन आवर स्टार्स बाय जॉन ग्रीन एंड एज यू नो दैट दिस इज़ द बेस्ट सेलर बुक एंड जॉन ग्रीन को अवार्ड दिया गया था फॉर न्यूयॉर्क बेस्ट सेलिंग बुक्स के लिए. तो बुक्स के बारे में बात करते हुए मैं आपको बताना चाहूँगी अगर आप बुक स्टार्ट करने वाले हैं यू विल लाफ यू विल क्राई एंड देन यू विल कम फॉर मोर. सो इंटेंस बुक की बात करूँ तो स्टोरी इसमें काफ़ी ज़्यादा आपको इमोशनल कर देगी. स्टोरी में आपको बताया गया है यहाँ पे दो लोग होते हैं अगस्टस एंड हेजल. अगस्टस एंड हेजल जो है एक बहुत ही स्पेशल जगह पे मिलते हैं कैंसर किड सपोर्ट ग्रुप में. हेजल को बहुत टाइम से एक बीमारी होती है और जब अगस्टस उससे मिलता है उसकी लाइफ पूरी तरीके से चेंज हो जाती है, इतनी पूरी तरीके से कि दोनों ने एक्सपेक्ट नहीं किया होता. तो इसके लिए आपको स्टोरी पढ़नी होगी. स्टोरी बुक की बात करूँ तो इसमें मूवी में से कुछ कुछ आपको क्लिप्स दिखाई गई हैं, कुछ पिक्चर्स ऐसी डाली गई हैं जो इनके बेस्ट मोमेंट थे. जी हाँ दोस्तों, इस पर एक मूवी बनी है द फॉल्ट इन आवर स्टार्स करके एंड बॉलीवुड में भी इस पर एक मूवी बन गई है जिसका नाम है दिल बेचारा, जो आई थिंक आप सब ने देखी होगी. ये देखिए कुछ स्पेशल मोमेंट्स हैं इनके फ्रेंड्स के साथ आपस में जो यहाँ पे दिखाए गए हैं. जिन्होंने भी ये मूवी देखी है मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा. मूवी तो मैंने नहीं देखी है बट बुक मैंने पढ़ी है एंड ये बुक सुपर्ब है. मेरे अकॉर्डिंग आपको ये बुक ज़रूर पढ़नी चाहिए एंड यू हैव रेड द बुक मेक श्योर यू लाइक द वीडियो एंड कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना. ओवरऑल बुक का प्राइस है 399 लेकिन मुझे ये काफ़ी ज़्यादा चीप मिल गई थी. ये सारी बुक्स मैंने सेल में खरीदी थी जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप चेकआउट कर सकते हैं. नेक्स्ट इन आर लिस्ट इज कैन लव हैपन ट्वाइस अनदर सेंसेशनल एंड मोस्ट लव्ड बुक हेयर. और ये है रविंद्र सिंह ने लिखी है एंड रविंद्र सिंह की बात करें तो आपको पता ही है वो इतनी अच्छी रोमांस नॉवल्स लिखते हैं. रविंद्र सिंह की एक नॉवल थी जिसका नाम था आई टू हैड अ लव स्टोरी एंड ये मान लीजिए ये बुक जो है उसी की कंटिन्यूशन में है. प्राइस जो है 175 लिखा है लेकिन मैंने बताया कि मुझे सेल पे मिली थी तो प्राइस आपको मैं डिस्प्ले कर दूंगी. इसकी बात करूँ तो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल स्टोरी है. जिन्होंने इसका फर्स्ट पार्ट जो बोला जाता है आई टू हैड अ लव स्टोरी है तो उसकी स्टोरी का ये कंटिन्यूशन है एक तरीके से. अगर आपने उसे पढ़ा है तो आप जानते होंगे कि क्या हुआ था कि जो रविंद्र सिंह है उनकी एक मंगेतर थी जिनका नाम था खुशी, जिनसे इनकी शादी होने वाली थी एंड उनकी डेथ हो गई थी. बहुत ही ज़्यादा ट्रैजिक डेथ थी एंड इस स्टोरी में भी बताया गया है कि वैलेंटाइन डे के दिन तीन लोग पहुंचते हैं स्टूडियो में अपने फ्रेंड की स्टोरी बताने बट रविंद्र जो है वो नहीं आ पाते. अब वो क्यों नहीं आ पाते, कहाँ होते हैं, उसमें पूरा दिखाया हुआ है. तो इस बुक को आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए. नेक्स्ट इज़ अनदर बैंगर बाय चेतन भगत हाफ गर्लफ्रेंड. हाफ गर्लफ्रेंड के बारे में तो आप सब जानते ही होंगे, इस पर एक मूवी भी बनी है हाफ गर्लफ्रेंड करके. जिन जिन ने मूवी देखी है वो मुझे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके ज़रूर बताना. इसकी स्टोरी जो है इसमें मैं आपको प्राइस बता देती हूँ, ये है 176 बट मुझे डिस्काउंट में मिल गई थी, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है. सो स्टोरी है इसमें माधव की और रिया की. माधव जो होता है एक बिहार के एक छोटे से गांव से आया है, रिया जो है वो एक टाउन की है. दोनों कॉलेज में मिलते हैं और स्टार्ट होती है इनकी एक यूनिक लव स्टोरी. बेसिकली मैं बताऊँ तो मुझे नॉवल ज़्यादा अच्छी लगी थी, मूवी मुझे इतनी खास लगी नहीं थी तो बट नॉवल के लिए मैं दूंगी 4 स्टार्स. तो मुझे ये बहुत अच्छी लगती है एंड इसे तो मैं बार बार पढ़ती रहती हूँ. स्पेशली टू बी ऑनेस्ट आई एम अ बिग बिग फैन ऑफ चेतन भगत, तो मुझे तो सारी नॉवल्स अच्छी लगती हैं उनकी. अगर आप भी चेतन भगत के फ़ैन हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा. ऑन टू द नेक्स्ट बुक दैट इज़ वर्ल्ड्स बेस्ट बॉयफ्रेंड बाय दुर्जॉय दत्ता. ओ माय गॉड, व्हाट अ स्टोरी, व्हाट अ स्टोरी, आई पर्सनली लव्ड इट अ लॉट. ओके तो बुक स्टार्ट करते हुए मैं बता दूँ, हेट इज़ अ 4-word लेटर एंड सो इज़ लव बट समटाइम्स पीपल कांट टेल द डिफरेंस. ओ माई गॉड. तो ये स्टोरी है ध्रुव और अनन्या की जो स्पेशल हैं. स्पेशल कैसे हैं, ये दोनों आपस में मिलते हैं एंड मुलाकात कुछ खास नहीं होती बट ये दोनों ना हमेशा एक दूसरे को हर्ट करना चाहते हैं, दुख पहुँचाना चाहते हैं लेकिन एक दूसरे से दूर नहीं हो पाते, पता नहीं क्यों. ये तो आपको स्टोरी पढ़ के ही पता चलेगा. प्राइस की बात करूँ तो 175 है बट मुझे स्पेशल प्राइस पे मिली थी. ये दोस्तों एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टोरी है, आपको ये ज़रूर पढ़नी चाहिए. ये देखिए फ्रंट पेज पे आपको मिल जाएगा दुर्जॉय दत्ता का ऑटोग्राफ विद लव
दुर्जयदत्ता, इजंट इट हैंडसम, है ना, ही इज हैंडसम। तो गर्ल्स रिलेट कर सकती हैं। दुर्जयदत्ता ने काफ़ी ज़्यादा अच्छी लव नोबल्स लिखी है, जिनमें से एक ये मेरी फेवरेट है। एंड यू मस्ट 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 रीड दिस बुक। अगर आपने ये बुक पढ़ी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ये बुक स्पेशल इसलिए भी है क्योंकि इसमें एक गर्ल होती है जो अनन्या होती है, उसे एक प्रॉब्लम होती है स्किन डिजीज़, बट जो ध्रुव है फिर भी उसे इतना ज़्यादा प्यार करता है इन सब के बावजूद। तो ये स्टोरी स्पेशल है, तो आप इसे पढ़ना ज़रूर। नेक्स्ट इन द लिस्ट इज़ चेतन भगत्स रेवोल्यूशन 2020, स्टोरी अबाउट करप्शन एंड एम्बिशन। मार्वलस स्टोरी। ये एक्चुअली फिक्शन है बट ये आपको बहुत ज़्यादा रियल लगेगी, स्टूडेंट स्पेशली बहुत ज़्यादा रिलेट करेंगे इससे। बेसिकली होता ये है कि इसमें तीन फ्रेंड्स दिखाए गए हैं जो बहुत ही स्मॉल टाउन में रहते हैं। तीनों बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, गोपाल, राघव और आरती। गोपाल जो है अपनी इंटेलिजेंस को यूज़ करना चाहता है मनी के लिए, और दूसरा जो है वो अपनी इंटेलिजेंस को यूज़ करना चाहता है एक रिवॉल्यूशन लाने के लिए, फॉर अ चेंज। बट प्रॉब्लम यहाँ स्टार्ट होती है जहाँ इनको पता चलता है कि ये दोनों सेम लड़की से प्यार करते हैं। जी हाँ दोस्तों, इट्स अ लव ट्राइंगल, बट इसमें काफ़ी कुछ और भी है। आपको ये नोवेल ज़रूर पढ़नी चाहिए, पढ़ी है तो मुझे ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक भी कर देना। एंड इसमें बहुत सारे ऐसी स्टोरी में ट्विस्ट एंड टर्न्स है जो आपकी जॉ जो है ड्रॉप कर देंगे, तो मुझे पढ़ के ज़रूर बताना। ओके, नेक्स्ट इन द लिस्ट इज शी ब्रोक अप आई डिडंट आई जस्ट किस्ड समवन एल्स, अनदर मास्टरपीस बाय दुर्जय दत्ता। ये स्टोरी काफ़ी ज़्यादा यूनिक है, जिसने भी ये स्टोरी पढ़ी है वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। बात करते हैं इसके प्राइस की, तो 175 प्राइस है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी है। इसके स्टोरी लाइन के बारे में मैं थोड़ा सा बता दूँ, देव एंड अवंतिका जो है आपस में रिलेशनशिप में होते हैं, एंड देव को बिलीव नहीं होता कि इतनी स्टनिंग एंड सिजलिंग अवंतिका उसकी है। बट देव अपनी लाइफ में एक ऐसी गलती कर देता है जिससे वो खुद को माफ़ नहीं कर पाता है। अवंतिका उसे माफ़ तो कर देती है और उसे वापस भी ले लेती है, लेकिन देव की इनसिक्योरिटी होती है जो उसे दोबारा वो गलती करने में मजबूर कर देती है। तो ये रही दुर्जय दत्ता के पिक्चर अगेन, मिस्टर हैंडसम हंक। सो बैक टू द स्टोरी। तो होता यह है कि अब इसमें पता लगाना है कि अवंतिका उसे दोबारा एक्सेप्ट करेगी या नहीं। टाइटल काफ़ी ज़्यादा अपीलिंग लगता है कि स्टोरी में क्या हुआ होगा, बट यू मस्ट रीड इट वंस। सो आई लाइक इट वेरी मच, दैट इज़ वाई मैंने इस कैटेगरी में इसे रखा है। तो इसके साथ मुझे ये बुकमार्क भी मिला था, एंड विच इज़ गुड, आई लाइक इट। तो अगर आपको ये बुक परचेज करनी है तो आप डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कर सकते हैं। तो या आगे बढ़ते हैं, आप मुझे कमेंट करके हैशटैग शॉर्ट समरी बताओ कि आपको इनमें से कौन सी बुक की शॉर्ट समरी चाहिए। तो जल्दी से जाके कमेंट कर दो एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना इसी बात पे। सो लेट्स रैप इट अप गाइस, ये थी बेस्ट रोमांटिक नॉवेल्स जिनके बारे में मैंने आपको बताई थोड़ी थोड़ी समरी। इनमें से किसी भी बुक की अगर आप समरी चाहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड